पश्चिमी जिले के तिलक नगर थाना पुलिस ने एक कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लूटा गया मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी बरामद की है। आरोपी की पहचान चंद्र सिंह के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी से लूटपाट और चोरी के 5 मामलों का खुलासा हुआ है। पश्चिमी जिले के DCP विचित्र वीर ने बताया है कि तिलक नगर थाना पुलिस की एक टीम जब रात्रि में गश्त कर रही थी तो पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने देखा कि एक आदमी स्कूटी से आ रहा है और पुलिस को देखकर उसने स्कूटी मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उसे पीछे से पकड़ लिया। बता दें कि स्कूटी की डिटेल चेक करने पर वह थाना विजय विहार रोहिणी इलाके से चोरी की पाई गई। उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जानकारी करने पर पता चला है कि यह फोन उसने लूटा हुआ था। आरोपी की पहचान मंगोलपुरी निवासी चंद्र सिंह के रूप में हुई है। आरोपी चंद्र गरीब पारिवारिक स्थिति के कारण अपराध की दुनिया में आ गया और वह लूट और चोरी के अपराधों को अंजाम देने लगा। वह कुख्यात अपराधी है और इससे पहले भी लूट और चोरी के 5 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उस समय तिलक नगर थाना पुलिस गश्त कर रही थी तो एक संदिग्ध युवक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसका पीछा करके पकड़ लिया। पूछताछ में वह शातिर वाहन चोर निकला, जिस पर लूट और वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं। अब वह कुख्यात वाहन चोर पहुंच गया है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।